हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड ज्ञान पर। तो गाइज, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है ट्रेंड ज्ञान, आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ नॉलेजेबल चीज़ें भी जानने को मिलती हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक इंटरनेशनल सीरीज की इंफॉर्मेशन, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सीट अफगानिस्तान टूर ऑफ आयरलैंड की सीरीज के बारे में, जो कि होने वाली है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक। इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस सीरीज में कितने मैचेस हैं, कौन से स्टेडियम पर खेले जा रही है और उसकी टाइमिंग क्या है। तो और साथ ही साथ हम आपको पिच रिपोर्ट की भी इंफॉर्मेशन देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये पिच जो है वो बैटिंग है या बॉलिंग, और इस पे जो बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं या बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बॉलर्स को ज़्यादा फायदेमंद रहती है ये पिच या फिर बैटर्स को ज़्यादा फायदेमंद मिल रहती है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको पिच रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं इस सीरीज में कौन कौन से मैचेस हैं, कितने मैचेस हैं और कब है। तो गाइज, ये सीरीज होने वाली है अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड और ये होगी 9 अगस्त से 17 अगस्त तक। टोटल इसमें 5 T20 मैचेस होने वाले हैं। तो शुरुआत इसकी होगी सीरीज की 9 अगस्त मंगलवार से, जो कि खेली जाएगी आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच, और ये इनका होगा फर्स्ट T20 मैच जो कि खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब पर, और ये खेला जाएगा शाम को 4:30 बजे। तो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जो ये स्टेडियम है ये आपको पता है 1949 में बना था। जी हाँ, 1949 में ये स्टेडियम बना था। तो अब आप देख सकते हो कि इतना टाइम हो गया है इस स्टेडियम को और आज भी इस स्टेडियम पर मैचेस खेले जा रहे हैं। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है ना स्टेडियम की, वो ज़्यादा नहीं है, वो लगभग 6,000 ही है। सिर्फ 6,000 लोग ही बैठकर इस स्टेडियम में मैच देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। नेक्स्ट मैच है हमारा 11 अगस्त थर्सडे को, जो कि होगा आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का सेकेंड T20 मैच, और ये भी खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, जो कि सेम ग्राउंड है, और ये खेला जाएगा शाम को 4:30 बजे। तो अब हम नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैच होगा हमारा 12 अगस्त फ्राइडे को, जो कि खेला जाएगा आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का थर्ड T20 मैच इस सीरीज का, जो कि खेला जाएगा सेम क्रिकेट ग्राउंड सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब पर, और टाइमिंग भी इसकी सेम ही है 4:30 बजे शाम को। और गैस, ये जो टाइमिंग है ये इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं, ये किसी बाहर की कंट्री का टाइमिंग नहीं है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। तो नेक्स्ट मैच हमारा होने वाला है 15 अगस्त मंडे को। तो गाइज, ये होगा आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का फोर्थ T20 मैच, जो कि खेला जाएगा फिर से सेम ही ग्राउंड पर सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब पर, और शाम को सेम टाइम पर, शाम को 4:30 बजे। और अब इसका देख लेते हैं हम फिफ्थ और लास्ट T20 मैच कब खेला जाएगा। तो वो खेला जाएगा 17 अगस्त वेडनेसडे को। जी हाँ, 17 अगस्त वेडनेसडे को इसका फिफ्थ और लास्ट T20 मैच खेला जाएगा आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का फिफ्थ T20, और ये भी सेम ग्राउंड सिविल सर्विस ग्राउंड पर खेला जाएगा, और खेला जाएगा शाम को 4:30 बजे। तो गाइज, ये थे हमारे इस सीरीज के पांचों T20 मैच की डेट और टाइमिंग्स, और इनका ग्राउंड तो एक ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब इनका ग्राउंड है, बना था ये 1949 में। कितना टाइम हो गया है आप देख ही सकते हो, 1949 से लेकर 2022 तक, अब ये इतना ज़्यादा टाइम हो गया है इस स्टेडियम को। लेकिन इसमें जो एक को जो इसकी मेरे को कमी लगी है वो इस स्टेडियम की ये है कि इसमें बस 6,000 पीपल ही देख सकते हैं इस स्टेडियम में बैठकर। और अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप कमेंट करके बताना कि आपको भी ऐसा लगता है कि 6,000 पीपल कम है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत है, इतने कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो ये थी हमारी अफगानिस्तान और आयरलैंड की सीरीज, जो कि शुरू होने वाली है 9 अगस्त को और खत्म होगी ये 17 अगस्त को। 5 T20 होंगे, पांचों की हमने आपके साथ डेट शेयर करी है। अब इसकी पिच रिपोर्ट की बात अगर हम करें स्टेडियम की, जो कि है सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इसकी पिच बैटिंग है या बॉलिंग, इस पे बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं या बॉलर्स, और अगर बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फास्ट बॉलर्स अच्छा करते हैं या फिर स्पिन बॉलर्स अच्छा करते हैं, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर कितने बन पाते हैं और लोएस्ट कितने बन पाते हैं,
फर्स्ट इनिंग में कितने रन्स की एवरेज होती है लगभग, और पहले मैचेस में कितनी बनी है अब तक, जो पहले के इसके रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्स हैं, हेड टू हेड हैं, उस सब की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ पिच रिपोर्ट में शेयर करने वाले हैं। और वो पिच रिपोर्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो उसकी इंफॉर्मेशन लेने में, और आपको आराम से उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और गाइस, जो लोग ड्रीम इलेवन वगैरह पे अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं, उनके लिए तो हमारी पिच रिपोर्ट की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बैटर्स की, बॉलर्स की और पिच की, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी अपनी टीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो गाइस, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।